हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और CSB बैंक IPO का IPO जो खुला हुआ है उसकी बात करने की कोशिश करेंगे और इसका डिटेल जानने के बाद जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें निवेश करना चाहिए या IPO के लिस्टिंग के दिन के लिए अप्लाई करना चाहिए। पूरा नाम है कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से जाना जाता है और ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ज़्यादातर है और लगभग 400 से ज़्यादा शाखाएं और 300 के आसपास इसके ATMs हैं। और इसका जो इशू क्लोज होगा 26 नवंबर को क्लोज होगा और 4 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होगी और 3 दिसंबर को आपके डिमेट में शेयर्स आ जाएंगे और 3 दिसंबर को ही रिफंड भी मिल जाएगा अगर आपको लॉटरी के सिस्टम माध्यम से अगर शेयर्स मिलते हैं। लगभग 75 का लॉट है, लगभग 14,000 के आसपास का अमाउंट पड़ेगा एक का और अगर आपको मिल जाता है तो। और इसमें ये है कि लगभग देखिए 200 के आसपास का भाव है, 193 से 195 का भाव है अगर मिल जाता आपको। और जिस तरह से अभी थोड़े दिन पहले लिस्टिंग हुई थी तो उसमें काफ़ी अच्छा मिला था। अब इसमें बैंक में ऑलरेडी कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि इस वक्त काफ़ी नीचे आपको मिल दिख रहे होंगे जो अब CSB एक तरह से स्टेट में ज़्यादातर है। आपके अगर दूसरी जगह रहते हैं तो आपको इंडिया के दूसरे कोने में अगर दिखेंगे तो आपको इसका नाम इस बैंक का ज़्यादातर नाम नहीं दिख रहा होगा। बट आने वाले दिनों में ये लगभग 300-350 ब्रांचेस और खोलेंगे और NPA भी लगभग 7% से 4% के आसपास है, 4.5% के आसपास है। अब 2% के आसपास लाने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में। तो NPA का मामला रहा है, अब जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे बैंक के हैं इनके पास। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि स्टेट में ज़्यादा, केरल में ज़्यादा इसका ब्रांचेस हैं और वहीं से ज़्यादा ऑपरेट भी होता है बैंक। और इसमें जैसे कि सिविल, गोल्ड, SMI, रिटेल, होलसेल लोन प्रदान करता है। बैंक की जमाओं में केरल का सबसे ज़्यादा 67% योगदान है, तर ये केरल में ऑपरेट करता है बैंक। अब जो निवेश की बात है तो लिस्टिंग के लिए अगर मिल जाता है तो उसमें अच्छी बात है। अब अभी मार्केट तो लगभग 12,000 के आसपास चल रहा है, लिस्टिंग गेन के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं बट निवेश के लिए नहीं रहेगा क्योंकि ये एक आप लोगों के लिए डिटेल था। और 26 तारीख का इसका लास्ट डेट है और 4 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होगी दोनों NSE और BSE में। और बैंक जो है ज़्यादातर स्टेट में ही है। लिस्टिंग के लिए आपको इसके अगर अप्लाई कर रहे हैं तो लिस्टिंग गेन में इसको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर दे अगर अलॉटमेंट हो जाता है शेयर तो। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोगों को इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरा सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।